शांति। 14 अक्टूबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे आज्ञाकारी बनो। क्या बनो? आज्ञाकारी बनो। बाप की पहली पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद। प्रश्न, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध क्यों हुआ? उसको शुद्ध बनाने की विधि क्या है, साधन क्या है, कैसे हम उसे शुद्ध कर सकते हैं? वायात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया है। क्या सुना हमने? वायात बातें, व्यर्थ बातें, दुनिया भर की जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, अल्पबुद्धि मनुष्यों के जो बातें हैं वो सुन सुन करके हमने आत्मा रूपी बर्तन को क्या कर दिया? अशुद्ध बना दिया। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल और थिंक नो इविल। इनमें से दो हमारे क्या हैं? इनलेट, जो अंदर आने के लिए काम आते हैं, हर बुराई को, हर अच्छाई को अंदर लाने के लिए। हियर नो इविल, हमने सुना, बुरा सुना तो बुरा अंदर गया, अच्छा सुना तो अच्छा अंदर गया। दूसरा सी नो इविल, हमने देखा, ये दो इनलेट हैं जहां से बुराई अंदर जाती है, अच्छाई भी अंदर जाती है। और इसके बाद सोचना क्या है? प्रोसेस। हमने गंध को जितना सोचा, फिर हमारा आउटपुट दो हैं, बोला हमने या हमने किया। वो हमने गलत सोचा, इसलिए हमने गलत बोला और गलत किया। अब बाबा कहते हैं यहां से क्या करो? इनलेट मेरे को करो, मेरे को देखो, मेरे को सुनो, और किसी को ना देखो और ना किसी को सुनो, और फिर मेरे को चिंतन करो, तो फिर आउटलेट ऑटोमेटिक जो है ना बेस्ट होगा। ये साधन है जिनके द्वारा हम अशुद्ध बने और इनके द्वारा फिर हम क्या बनेंगे? शुद्ध बनेंगे। बाप को ही याद करो, बाप से ही सुनो, बाप को ही याद करो, बाप से ही सुनो, बाप को ही देखो, तो आत्मा रूपी बर्तन अपने आप क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन हो जाएंगे, क्योंकि जिनसे पतित, जो रास्ता पतित बनने वाला है वही रास्ता पावन बनने वाला है। विधि एक है, परंतु विधि में साधन जो है वो हमें समझना है कि हमने मन मत पर मत पर नहीं चलना है, हमने बाबा की श्री मत पर चलना है। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है, समझा हुआ है। बच्चों को घड़ी घड़ी पॉइंट्स दी जाती, जैसे घड़ी घड़ी कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो, यहां कोई मनुष्य को याद की याद नहीं है, यहां कोई मनुष्य की याद नहीं है। मनुष्य मनुष्य की व किसी देवता की याद दिलाएंगे, मनुष्य 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 की व किसी देवता की याद दिलाएंगे, पारलौकिक बाप की याद कोई दिला ना सके, क्योंकि बाप को कोई जानते नहीं। यहां तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, यहां तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, अपने को आत्मा समझ,
मुझ एक बाप को याद करो। जैसे बाप को बच्चे याद होते बच्चे होते हैं तो सब समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। ये बाप से वर्षा लेने आया है, ये बाप से वर्षा लेने आया है। फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है, फिर उनको बाप और वर्षा याद रहता है। यहां भी ऐसे है, जरूर बच्चे बाप को जानते हैं, बच्चे बाप को जानते नहीं, जरूर बच्चे बाप को जानते नहीं, इसलिए बाप को आना पड़ता है। बच्चे परमात्मा को जानते नहीं, पंखा चला लो, बच्चे परमात्मा को बाप को जानते नहीं, इसलिए क्या करना पड़ता है, बाप को आना पड़ता है। जो बाप के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसा, जो बाप के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है ये सब क्या है, भक्ति मार्ग, ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग की सामग्री जप तप दान पुण्य संध्या गायत्री आदि जो कुछ भी वे करते हैं वे सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सन्यासी भी भक्त हुए, सन्यासी भी इसी प्रकार का कुछ करते रहते हैं। पवित्रता बिगर शांति धाम में जा नहीं सकते, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे कोई भी आत्मा शांति धाम में जा नहीं सकती। अब दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया, जप तप पूजा पाठ व्रत नियम आदि से मैं नहीं मिलता, शास्त्र अध्ययन कुछ भी करो इससे मैं, फिर उसके आगे क्या लिखा, परंतु इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, हम करते आए। आज बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग, परंतु घर जाने के लिए क्या चाहिए, पवित्रता। तो घर जाने के लिए शांति धाम जाने के लिए क्या पवित्रता चाहिए, हिसाब किताब रहा, क्योंकि जब तक हमारा संसार में किसी भी आत्मा से कुछ भी सुख या दुख लेना या देना है तब तक हम इस संसार से अपने घर वापस नहीं जा सकते। हिसाब बराबर होगा, मेरा किसी से अब लेना देना बाकी नहीं है, तब हम परमधाम वापस घर जा सके। लेना देना नहीं, लेना है तो भी शांति नहीं आएगी। तो ये लेना देना हिसाब किताब बराबर होगा तभी हम सब आत्माएं अपने घर शांति धाम जा सकेंगे। या किसी को देना, चाहे सुख हो तो चाहे दुख, चाहे सुख लेना है चाहे दुख लेना है, चाहे सुख देना है या दुख देना है, तो ये सब बराबर करेंगे तभी हम अपने घर शांति धाम जा सकते हैं। इसलिए वो घर बार छोड़कर जाते हैं, हमें हमें किसी से लेना देना नहीं, बच्चे पालती रहेगी माँ, हम जा रहे हैं जंगल में, ठीक है, नहीं चले जाते हैं जंगल। परंतु सारी दुनिया तो ऐसे नहीं करेगी, उन्होंने इस हठ योग की ड्रामा में नूंद है, वह उनका हठ योग, अपने आप को जबरदस्ती करते हैं, हठ करते हैं अपने साथ, है ना, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को राज योग सिखलाने कल्प कल्प एक ही बार मैं आता हूं, 5000 साल में पूरे कल्प में मैं एक ही बार आता हूं, ये नई बात आज स्पष्ट होगी आगे वाली, मेरा और कोई अवतार नहीं होता, मेरा और कोई अवतार नहीं होता। इसके साथ साथ और ध्यान देना है, री इनकारनेशन,
ऑफ गॉड, पुनः अवतरण ऑफ गॉड भगवान का, वो हुआ ऊंचेते ऊंच, फिर री इनकारनेशन ऑफ जगत अम्बा, ध्यान से समझना इसको ये पॉइंट्स, और फिर जगत पिता जरूर होना चाहिए। वास्तव में री इनकारनेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। खैर देखो, बता के तो करेंगे ना, बता के तो सच बताएंगे ना, नॉन टू अननोन तो लेके जाएंगे ना। दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा भी अवतरण हुआ, विष्णु भी अवतरण अवतार हुआ, सारे अवतार अवतार गिनते हैं ना, तो इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं ना, पहले बताएंगे फिर कहेंगे ये रॉन्ग है ये राइट है। रीइनकार्नेशन अक्षर सिर्फ बाप से ही लगता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर या किसी और का नहीं होगा। आगे देखो, सदगति दाता एक ही बाप है, सारे संसार का कल्याण करने वाला, सारे संसार की आत्माओं को सदगति देने वाला एक बाप ही है। यूं तो हर एक चीज फिर से रीइनकार्नेट होती है। जैसे अभी भ्रष्टाचार है तो कहेंगे भ्रष्टाचार रीइनकार्नेट हुआ, फिर से आया ना, पहले थोड़ा था, पहले तो सारे शिष्टाचारी थे, अब भ्रष्टाचार आ गया तो भ्रष्टाचार भी इनकार्नेट हुआ। 5,000 साल पहले भी था, इसी समय भ्रष्टाचार था, अब फिर भ्रष्टाचार हो गया तो भ्रष्टाचार भी इनकार्नेट हुआ, फिर से भ्रष्टाचार हुआ, फिर से श्रेष्ठाचार आएगा। रीइनकार्नेट तो हर चीज का होता है, वे कोई भी चीज है 5,000 साल पहले बनी थी अब फिर बनी है, अब भी पुरानी दुनिया है फिर नई दुनिया आएगी। अब स्पष्ट करें, फिर नई दुनिया आएगी, नई दुनिया के बाद, हाँ एक मिनट ये पॉइंट पूरा कर लो, नई दुनिया के बाद कहेंगे फिर से पुरानी दुनिया आनी है, फिर से पुरानी दुनिया आनी है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जब यहां बैठते हो तो हमेशा ऐसे समझो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे बाप का फरमान मिला हुआ है, मुझे याद करो, बच्चों के सिवाय तो और कोई को बाप का फरमान मिल ना सके। फिर बच्चों में कोई तो आज्ञाकारी हैं, कोई आज्ञा ना मानने वाले भी होते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं तो मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई विद्वान पंडित आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं आत्माओं से बात करता। तो हमें ये बात आ गई, परमात्मा ही केवल अवतरित होते हैं, बाकी जितने भी देवी देवताएं हैं वो यहां आकर अपने शरीर की रचना करते, वो जन्म लेते, वो पार्ट बजाते हैं, परंतु परमात्मा जन्म नहीं लेते, शरीर धारण नहीं करते, उनका अवतरण होता है और पर काया प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं और फिर चले जाते। उनका काम है हर 5,000 साल बाद आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनने का रास्ता दिखाना। कोई बने उसकी मर्जी, ना बने उसकी, परंतु ला मुजिब जो हर कल्प बनते हैं वही बनते। बाबा ने कहा, गुरु नानक के लिए भी कहा, क्राइस्ट के लिए भी कहा, फिर एक मुरली में कहा, जितने भी धर्म पिताए हैं सभी पहले आकर पर काया प्रवेश करके अपने धर्म की स्थापना करते हैं और फिर जन्म लेकर उस धर्म की पालना करते हैं। तो परंतु
उनका भी री इनकारनेशन नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि वो शरीर की रचना करके फिर शरीर के बंधन में बंध जाते हैं। जो शरीर के बंधन में बंध गया वो पुनः नहीं आता। इसलिए बाबा ने कई मूल्यों में कहा, मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु नहीं होती, इसलिए मेरा पुनर्जन्म होता है। मैं हर बार जन्म लेता हूं, मेरी मृत्यु नहीं होती। हाँ हाँ, कि परमात्मा अवतरित हुए, परमात्मा जन्म नहीं लेते, वो केवल परकाया प्रवेश करके ज्ञान देते हैं और उसके बाद शरीर को छोड़ते हैं, तो उस शरीर को चलाने वाला रथी आत्मा होता है, इसलिए उसकी डेथ नहीं होती। इनके शरीर में परमात्मा आए, 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे बैठकर हमें पढ़ाया और उसके बाद शरीर छोड़कर चले गए। शरीर तो है, शरीर तो मरा नहीं, क्योंकि जन्म और मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है। तो परमात्मा मनुष्यों की तरह, किसी की तरह, कोई भी, चाहे वो आप कोई निर्जीव वस्तु भी ले लो, क्योंकि उसमें भी 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, उसने भी एक्यूरेट 5000 पाठ के हिसाब से चलना है। हम आत्माओं में भी 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, तो हमने भी उसी प्रकार से चलना है। किस सेकंड हमने कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा का सारा हर आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो आत्मा है, चैतन है, दोनों के अंदर रिकॉर्ड है। ये कुर्सी भी 5000 साल बाद ऐसे ही घूमकर रखी हुई हो, और इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इसमें जितने भी रेत के कण फालतू चिपके पड़े हैं, वो भी उतने ही चिपके हुए होंगे, कोई रेत का कण कम या ज्यादा नहीं हो सकता। वे तो आत्माओं से परमात्मा समझ लेते हैं, वे तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, वे है रॉन्ग। तो ये कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा तो नहीं हूं ना, मैं परमात्मा हूं तो फिर हम सारे परमात्मा हो गए, फिर हम सारे क्या हो गए? बाप बाप बाप, मैं भी बाप, आप भी बाप, आप भी बाप, आप भी बाप, सारे बाप बाप हो गए। शरीर बिगर तो एक्ट हो ना सके। फिर वही बात आ गई, आत्मा बिगर शरीर के कोई काम नहीं कर सकते। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए, निश्चय बिगर तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं, बैठेगा नहीं। पहले निश्चय चाहिए कि हम आत्माओं का बाप वो निराकार परम पिता परम आत्मा है, और साकार में है प्रजा पिता ब्रह्म, प्रजा पिता ब्रह्म, और हम हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, उनके बच्चों को क्या कहेंगे? इसलिए हम शिव कुमार हैं, मां कुमारी नहीं होते। आत्मा स्त्री नहीं होता, आत्मा स्पुलिंग है और हम सारे क्या हैं? आत्मा फीमेल, आत्मा शब्द जो है वो पुलिंग है, बाबा कहते। अब वो आत्मा स्त्री शरीर धारण करती है तो फीमेल हो गई, पुरुष शरीर धारण करती है। हाँ, वो तो आत्मा में सारे रहेंगे ना, तो आत्मा में तो 5000 साल का पाठ लिखा हुआ है कि उसने कब पुरुष बनना है, कब स्त्री बनना है, क्या पाठ बजाना है, क्या सुख देना है, क्या सुख लेना है, कब लेना है, कब देना है, एक एक नैनो सेकंड का हिसाब आत्मा में लिखा हुआ है, और वो भी अविनाशी, वो भी अविनाशी, जिसे परमात्मा भी चाहे मिटाना, चेंज करना नहीं कर सकता, परमात्मा भी चेंज नहीं कर सकता। ये बात हमें अपनी बुद्धि को बहुत अच्छी तरह समझा देनी। उसे हम शिव कुमार कहेंगे, कुमारी नहीं। ये सब बातें धारण करनी है, धारणा तब होगी, कब होगी? जब निरंतर याद
करते रहेंगे। और निरंतर याद कब होगी? जब इनलेट दोनों के सामने बाबा होगा, दोनों इनलेट के सामने बाबा होगा, आंखों के सामने बाबा और कानों में सिवाय बाबा के किसी की बात नहीं। इन दो इनलेट पर बाबा होगा, मतलब बाबा को ही हमने सुनना है, बाबा को ही हमने देखना है। फिर तीसरा काम क्या करना है? तीसरा प्रोसेस, हमने चिंतन, मनन चिंतन भी बाबा की ही बातों का करना है और किसी व्यक्ति की बातों का मनन चिंतन नहीं करना। करते रहेंगे। हाँ, तो अब ये इसके बाद ही रुकेंगी ना। याद करने से ही बुद्धि रूपी बर्तन शुद्ध होगा। वायात बातें सुनते सुनते बर्तन अशुद्ध बन गया। बर्तन क्या हो गया है? अशुद्ध हो गया। किसके कारण हुआ? वायात बातें देखी, वायात बातें सुनी और वायात बातें सोची, जिसके कारण हमारा बर्तन क्या हो गया है? गंदा हो गया है। इसको शुद्ध बनाना है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, अब पवित्र बनना है। सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप, आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी है। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र। श्री कृष्ण की आत्मा भी पवित्र है और श्री कृष्ण का शरीर भी क्या है? पवित्र है। परंतु वो कैसे बना ये कोई नहीं जानता। और ये दोनों पवित्र कब होते हैं? सिर्फ सतयुग में ही होते हैं। उसके बाद ये कहां जाता है? ये सुंदर जन्म लेते लेते काला बन जाता है। कृष्ण भी सुंदर से श्याम बन जाता है, गोरे से काला बन जाता है, पावन से पतित बन जाता है। फिर बाप आकर इसे पतित से पावन बनाते। अब कृष्ण भी हमारे साथ पढ़ रहा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी करेंगे उनके साथ, कुछ तो खेलेंगे, हमारा पार्ट होगा। यहां तो हो नहीं सकते, यहां तो कृष्ण यहां तो हो नहीं सकते। तुम आत्माएं नंबर वार पवित्र होती जा रही हो, अभी पवित्र बनी नहीं हो, अभी पवित्र बनी नहीं हो, अभी पवित्र बन रही हो। कोई भी पवित्र नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अंत में नंबर वार सब की रिजल्ट निकलेगी, एक साथ एक ही सेकंड में सबका रिजल्ट निकलेगा। ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जो एक सेकंड में सबका रिजल्ट निकाल देती है। बाप आकर सभी आत्माओं को फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, अपने को अशरीरी समझो, देही अभिमानी बनो। मूल ये बात बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता। मूल ये बात बाप के सिवाय और कोई दुनिया में समझा नहीं सकते। पहले ये पूरा निश्चय होगा तो विजय पाए कि भगवान आके पढ़ा रहा है। ये पक्का निश्चय होगा तो विजय पाएंगे, निश्चय नहीं होगा तो विजय नहीं पाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, जिनको बाप पर निश्चय होगा उनकी विजय निश्चित है। संशय बुद्धि विनश्यंती, यदि डाउट होगा पता नहीं भगवान पढ़ाने आता है कि पता नहीं क्या कहते हैं ये, उनको संशय बैठा तो सुधर नहीं सके। गीता में कोई कोई अक्षर बहुत अच्छे हैं,
इसको कहा जाता है उस दुनिया वाली गीता के लिए क्या कहा जाता है, कोई कोई अक्षर अच्छा है तो आटे में नमक जितना सच, बाकी सारी गीता झूठी है, आटा झूठा है उसमें नमक जितना सच। मैं तुमको सारे वेदों शास्त्रों का सार समझाता कि इनमें क्या क्या है, सच क्या है, वो मैं तुम्हें आकर बाबा कहते बताता हूं, बाकी तो झूठ भरा पड़ा। ये सब है भक्ति मार्ग के रास्ते, इनकी भी ड्रामा में नूंद है। ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि भक्ति मार्ग क्यों बनाया हुआ है, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसे किसी ने बनाया नहीं। फिर बना कैसे, सभी आत्माओं ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने, समय की बेल्ट पर ये ड्रामा अपना अपना पार्ट नूंद किया। और हर कल्प नूंद करते, हर कल्प अपना पार्ट लिखते। रिपीट तो करते है ना, लिखते तो वही है ना, करते तो वही हो ना। तो बाबा ने इसके लिए क्या कहा हुआ है, पिछला आप प्ले कर रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है, लिखा जा रहा है, वही लिखा जा रहा है जो आप प्ले कर रहे हो। इसलिए बना बनाया मतलब जो पहला बना हुआ था उसी को फिर से बनाया। हमने जो भी कर्म किया हमें नहीं मालूम कि हम अगले पल क्या करेंगे, हम अगले पल गलत करके अपने लिए गलत लिख लिया और अपने लिए अच्छा करके हमने अपना अच्छा लिख लिया, परंतु किया हमने वही जो 5000 साल पहले किया था। तो हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पिछले साल पिछले कल्प में रिकॉर्ड किया था वो अब प्ले हो रहा है, इसलिए जो अब रिकॉर्ड हो रहा है वो अगले कल्प में प्ले होगा। इसलिए ये कैसेट कैसी रहती है, मस्त एवर फ्रेश रहती है, क्योंकि ये कभी भी खराब नहीं होती, वरना एक सीडी चलते चलते क्या हो जाए, घिस जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए हर कल्प मतलब पिछली प्ले होती है, अगले के लिए रिकॉर्ड हो जाए, प्ले करके रिकॉर्ड कर दे। तुमने भी इस ड्रामा में बाप से स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा अनेक बार लिया है और लेते रहेंगे, कभी अंत नहीं हो सकता, कभी अंत नहीं हो सकता, ये चक्र अनादि फिरता ही रहता है। तुम बच्चे अभी दुख धाम में हो, फिर शांति धाम में जाएंगे, शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे, फिर दुख धाम में आएंगे, ये अनादि चक्र चलता ही रहता है। सुख धाम से दुख धाम आने में तुम बच्चों को 5000 वर्ष लगते हैं, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो, जिसमें तुम 84 जन्म लेते हो, सिर्फ तुम बच्चे ही 84 जन्म लेते, सब नहीं ले सकते, क्योंकि जो जितना पवित्र कम बनेंगे उनके जन्म उतने कम हो जाएंगे। ये बेहद का बाप तुमको डायरेक्ट समझा रहे हैं, ये भगवान स्वयं समझा रहे हैं, और बच्चे फिर मुरली सुनेंगे, बाकी जो घरों में बैठे हैं वो ये मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे या टेप सुनेंगे, उस टाइम टेप भी किसी किसी के पास होता था, तो इसलिए बाबा कहते टेप भी सब नहीं सुन सकते, क्योंकि सबके पास टेप अवेलेबल नहीं है। मतलब एक भाई वहां से टेप रिकॉर्ड करके लाता था, फिर वो गांव गांव घर घर सेंटर सेंटर पर जाकर कहता था आ जाओ
हमें बाबा की आवाज में तुम मुरली सुनो। सारे बड़े खुश हो के वाह बाबा की आवाज में हमें मुरली सुनने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी जब लाइव आवाज, हाँ जी हाँ, नहीं मतलब यहाँ पर पहले जब आवाज आती थी, आवाज सुनने के लिए सड़क तक भर जाते थे। बाबा की आवाज में मुरली सुनेंगे, वहां बाबा मुरली सुनाएंगे, शक्ल नहीं दिखाई देती थी, सिर्फ आवाज आती थी। नहीं वो तो है ही, मतलब अव्यक्त बाप दादा की जो मुरली जब आवाज वाली शुरू हुई आना, नहीं नहीं आवाज आती थी सिर्फ, उसके लिए बहुत बड़ी छतरी ऊपर लगाई थी, तो उसको भी सुनने के लिए भीड़ लग जाती थी, एकदम दूर दूर से सारे आ जाते थे, क्योंकि बहन जी आने नहीं देते थे बड़े सेंटर पर। और वो कहते बाबा छतरी लगा दिए बस, जो अपने अपने नजदीक वाले सुने फालतू नहीं। तो फिर जो दूर दूर वाले वो सारे फिर यहीं आते थे, यहाँ खुला दरबार सारे आ जाओगे। तो पहले पहले तुम बच्चों को उठते बैठते इस याद में रहना है, मतलब कहाँ सेक्टर 10 और कहाँ सुखराली, मतलब वहां से मतलब मुरली सुनने के लिए आते थे, मतलब उनको इतना रहता था, यहाँ आते थे, मतलब ये था, क्योंकि पहले सेंटर भी नहीं थे दूर दूर तक, उस टाइम पर ये नया इतना बसा नहीं था नए सेंटर में। हाँ जी हाँ अभी खुले, हाँ भीड़ होती थी वो बाबा सुनने देखने के लिए, पीस ऑफ माइंड। फिर कोरोना ने सबको मोबाइल पर घर में बिठा दिया, कहते अब सब घर में सुन लेते हैं, बढ़िया है। मनुष्य तो माला फेरते फेरते राम राम जपते रहते हैं, माला फेरते रहते राम राम जपते रहते हैं, हमें तो कुछ करने की जरूरत। रुद्राक्ष की माला कहते हैं ना, कहते रुद्राक्ष की माला हो उसको जपो। अब रुद्र तो है भगवान, फिर इस माला में मेरु दाना, ये भी राज खोला है आज, ध्यान से समझना है, इकट्ठा है मेरु दाना, इकट्ठा है युगल, जिनका युगल है ये लक्ष्मी और नारायण या ब्रह्मा सरस्वती, ठीक है विष्णु को नहीं कहोगे, लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा सरस्वती, और उसके ऊपर एक धागे वाला फूल बना होता है वो है शिव बाबा, और उसके बाद 108 हैं मन के जो विजयी हुए, 108 वो विजय आत्माएं, उसके बाद है डबल जुगल दाना, उसके बाद है फूल, समझ गए बात। अच्छा आप इसके बाद जो नौ की है उसमें, उसमें जुगल दाना नहीं है, ये नोट करना, आश्रम युगल युगल का चक्कर नहीं है उसमें, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। आश्र रतन का मतलब ये नहीं होगा ना, आश्र रतन में 8 आत्माएं जो टॉप पर आई और 9वां शिव बाबा, हमें नहीं मालूम उसका आने की बात अलग, मतलब हमें उससे क्या मतलब, उसमें बाबा यहाँ पर युगल दाने में तो लिया युगल कहा, इसमें युगल कह रहे, वहां युगल नहीं कह रहे, मतलब मेन बात हमें समझने वाली बात यह है कि टॉप 8 आत्माएं और शिव बाबा, उसमें कोई युगल दाना नहीं, उसमें 8 है टॉप, हम क्या गिनते थे कि 8 वही गिनते थे, फिर उसको कहते थे 100 108, परंतु अब हम यदि ध्यान से देखेंगे तो अब जो वैजयंती माला है उसमें 108 वो देवी देवताएं हैं जो 8 के बाद टॉप आए, और उसके बाद एक युगल दाना अलग है, और उसका शिव बाबा अलग है, लाइन समझने वाली है ना, क्योंकि हमें उसकी कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर बहुत है। 108 अलग होते हैं, 2 अलग होते हैं और 1 अलग, 1 अलग होता है, जो भी समझो, मतलब इसको हम समझ सकते हैं युगल दाना एक है, 2 वो 108 वो, तो 10 हो गए ना, और 1 शिव बाबा हो गया, तो मणके मणके की हाँ, वो डबल बीच में बड़ा दाना जो बनाया जाता है वो डबल दो 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 दानों का बना होता है ना एक, हाँ उसके अलावा 108 है ना,
ये भी तो देखो ना, ये कंस्ट्रक्शन को मतलब इसलिए मैं आपको यहाँ विचार करने के लिए दे रहा हूँ ना। उसके अलावा 108 है, फिर युगलदाना है और फिर फूल है। अब कोई कितने बना दे उनकी मर्जी है, बनाने वाले को तो हम कुछ नहीं कह सकते। पर तो 8 वाले में देखो कि उसने एक शिव बाबा रखा है, वहां युगलदाना नहीं लिया है, वहां युगल का कोई मतलब नहीं। वो कौन है? ये मात पिता जो फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मात पिता ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और फिर ये जाकर के क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण। इसलिए इनको मेरु कहा जाता है, हेड सिर मोर मतलब टॉप का। फूल है शिव बाबा, जो ऊपर फूल बना हुआ है धागे का, वह है शिव बाबा। फिर मेरु ये मम्मा बाबा, और स्पष्ट कर रहे हैं, जिनको मात पिता कहते हो। विष्णु को मात पिता नहीं कहेंगे, क्यों? विष्णु को मात पिता नहीं कहेंगे, वो केवल और केवल मॉडल है, वो कभी शरीर नहीं लेता, वो केवल हमारा लक्ष्य है। लक्ष्मी नारायण को मात पिता तो उनके बच्चे ही कहेंगे, हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनके बच्चे कहेंगे उनको माता पिता, हमारा तो उनके बच्चों की लिस्ट में नाम ही नहीं। तो उनके बच्चे ही उनको मात पिता कहेंगे। आजकल तो, आजकल क्या होता है, आजकल तो सबके आगे जाकर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। अब क्या करें भाई, बस अब जिनको कह रहे हैं वो तो हमारे माता पिता है ही नहीं। हम राम को कह रहे हैं माता पिता, तो राम के दो बच्चे उनको कहेंगे, लवकुश कहेंगे ना उनको माता पिता, वो तो राम को भी परमात्मा कहते हैं ना। तो अब जब वो समझ लेते हैं तो उनकी भूल है ना, राम के तो दो ही बच्चे थे ना, हमारा तो नाम ही उनके बच्चों की लिस्ट में नहीं है, हम कैसे कहें उनको माता पिता। बस एक ने कोई की महिमा की, भेड़ चाल सारे वही करना। सरदार राम फिलोरी ने ये जो ओम जय जगदीश शियारे वाली आरती है ये 1855-56 के आसपास लिख दी। इससे पहले ओम जय जगदीश की आरती नहीं थी। अब उसने ये एक आरती लिख दी, सारी दुनिया उसी आरती को कर रही है नहीं। अब एक राइटर था, कवि लिखने कविता लिखने वाला, उसने कविता लिख दी। अब बाकी जिनको जो है, अब अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग सब अपनी अपनी आरतियां बना रहे हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था कि आरती कब लिखी गई और उसका क्या मतलब है, क्या है। कोई एक ने महिमा की तो उनके पीछे फॉलो करने लग पड़ते हैं, बस भेड़ चाल चल पड़ते हैं। ये है अनराइटियस दुनिया, अनराइटियस दुनिया, झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। कलयुग को कहा जाता है, किसको कहा जाएगा? कलयुग को अनराइटियस, और सत्ययुग को कहा जाएगा राइटियस। उसे नहीं कहा जाएगा झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। सत्ययुग में श्री कृष्ण गोरा है, फिर अंतिम जन्म में उनकी आत्मा क्या हो गई? सांवरी बनी, काली बनी। ये ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे हैं, ये ब्रह्मा सरस्वती इस समय सांवरे हैं। ये जो है ना सतयुग में कृष्ण थे, जिनका फोटो देख रहे हो, ये सतयुग में कृष्ण थे और ये जन्म लेते लेते पतित हो गए, फिर परमात्मा आकर इनको बावन बना रहे, फिर से ये कृष्ण बनेंगे। तो हम भी इनके साथ प्रयास करने के लिए जगह ढूंढेंगे, भाग्य में होगा तो, है नहीं? ये ब्रह्मा सरस्वती
इस समय सांवरे हैं ना, आत्मा काली बन गई है, तो उनका जेवर भी काला बन गया है। जेवर माना शरीर भी उनका काला हो गया है। सोने में ही खाद पड़ती है, उससे जेवर भी जो बनता है वो खोट वाला ही बनेगा। सोने में खोट है तो उस खोट वाले सोने का गहना बनाएंगे तो वो भी खोटा बनेगा। सतयुग में जब देवी देवताओं की गवर्नमेंट है तो ये झूठ खाद होती नहीं। जब सतयुग होता है तो खोट नहीं होता सोने में, 24 कैरेट शुद्ध सोना होते हैं। वहां तो सोने के महल बनते हैं, दीवारों की ईंटें ही सोने की होती हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो क्या हो गया उसकी जगह पर, किसको याद आता है? मुलम्मा, मुलम्मा। अब आपको समझ में आया मुलम्मा क्या होता है? तो इसको समझ में नहीं आया। नाम यहाँ कुछ ठीक पहुंच रहे हैं, आप नहीं पहुंचे, आप गलत जगह चले गए। हाँ, आजकल लोहे के बना के गहने, उस पर सोने का चढ़ा के पानी, मुलम्मा माना कली, मुलम्मा माना पॉलिश, है नहीं? तो सोने से काम नहीं हो जाए तो गम नहीं, है नहीं? तो आज कलयुग में तो ये हो गया है ना, असली सोना तो रहा ही नहीं। तो मुलम्मा बाहर से मकान को बहुत सुंदर बना देंगे और अंदर कुछ भी नहीं, दीवारें खोखली की खोखली, बाहर से सुंदर सुंदर चिपका देंगे शीटें। ऐसे भारत का आजकल तो पेपर भी दीवारों पर लगने लग गए हैं, पेपर लगाए सिटी वॉल पेपर लगाए, अंदर कुछ भी है पता ही नहीं, क्या जरूरत है वाइट वॉश कराने की, खराब हो जाए दोबारा चेंज करा दो, प्लास्टर लगा। ऐसे भारत को फिर से स्वर्ग बाप ही बना सकते हैं। बाप समझाते हैं श्रीमत भगवानो वाच है ना, कि श्रीमत तो भगवान की ही कही जाती है ना, श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला है, श्री कृष्ण तो देवता है, दो भुजा दो टांग वाला है। चित्रों में तो कहां नारायण को कहां लक्ष्मी को, चार भुजाएं पकड़ा देते हैं, वैसे तो वो भी दो हाथ वाले हैं पर तो उनको चार पकड़ा देते हैं। समझते हैं कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं। ओम अक्षर भी कहते हैं, ओम का अर्थ बताते हैं, ओम माना माय गॉड, ओम माना माय गॉड, जिधर देखता हूं गॉड ही गॉड। हाँ, दुनिया वाले कहते हैं ना, बाबा नहीं कह रहे, दुनिया वाले कहते हैं। वो गॉड भी तो कहते हैं, ओम और गॉड को कंपेयर भी तो किया है हमने, आ उ मा जी ओ डी, ये भी हमने कंपेयर किया ना। आ मीन्स आकार देने वाला, उधर जी फोर जनरेटर रचने वाला, उ मीन्स उकारने वाला पालना करने वाला, ओ फोर ऑपरेटर, डी फोर डिस्ट्रॉयर और माय फोर माय कार विनाश करने वाला। मतलब ओम का अर्थ भी हम यही समझाते, गॉड का अर्थ भी यही समझाते भक्ति मार्ग में। अब बाबा कहते परंतु ये तो रोंग है, ओम माना अहम आत्मा, ओम माना अहम आत्मा। बाप भी कहते हैं अहम आत्मा, परमात्मा भी कहते मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, परंतु मैं सुप्रीम हूं। इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है, परम आत्मा, मैं हूं आत्मा,
परंतु मैं सुप्रीम हूं, मैं परम हूं, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। तो देवात्मा किसे कहते हैं? जिसमें देवी गुण हो। मैं परम धाम में रहता हूं, ऊंचे ते ऊंच भगवान, फिर सूक्ष्म वतन में कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की है आत्मा। है नहीं? बच्चों को खुश करने के लिए बाबा कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर? फिर नीचे आए तो ये मनुष्य लोक है, क्योंकि भगत बच्चों को कहे कि नहीं है तो उनका तो दिमाग खराब हो जाए। ये तो है ही नहीं, क्योंकि बाबा के सामने बच्चे बैठे होंगे, भगत बच्चे। फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है, इसलिए दादी कुमारिका ने कहा तीन। बाबा ने पूछा शिव बाबा को कितने मुरबी बच्चे, तो दादी ने फट बता दिया तीन। उसको ये थोड़ा पता था कि बाबा जो है ना हमारी जो है ना बदली करने वाला है, ज्ञान में चेंज करने वाला है, जो उनका कोई कसूर तो नहीं है ना, पर तो तीन ही पढ़ाए। फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है, वे देवी लोक, देवी लोक वे आत्माओं का लोक जिसको मूल वतन कहा जाता है, ये बातें समझने की हैं। ये बातें क्या हैं? समझने की हैं। तुम बच्चों को ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है, जिससे तुम भविष्य में माला माल डबल सिरताज बनते हो। माला माल डबल सिरताज बनते हो। देखो श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना, श्री कृष्ण को दोनों ताज है ना, फिर वही बच्चा चंद्रवंशी में आता है तो दो कला कम हो जाती है, फिर वैश्यवंशी में आएंगे तो और चार कला कम हो जाएगी, और चार कला। ठीक है हाँ जी, ये बच्चे भगत बच्चे बैठे हैं, उनके सामने कहानी को चेंज करना मुश्किल लगता है। नहीं, दो कला सतयुग में 16 कला, श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, राम के टाइम 14, क्योंकि उनके सामने त्रेता में राम है, परंतु हमें मालूम है कि सतयुग में चार कला ही कम होती है। नहीं, चार कला कम कैसे होती है? हाँ बराबर बराबर होएंगी ना, कम क्यों होएंगी? क्योंकि सतयुग में बाबा ने हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि ये भी बाबा ने, मैंने ये भी बाबा ने स्पष्टीकरण के लिए रमेश भाई को भी ये स्पष्टीकरण दिया। रमेश भाई ने पूछा कि बाबा ये दो कला क्यों? अब यहां तो दो कला काम हुई और उसके बाद त्रेता में हम कितने रह गए? 14 कला। उसके बाद 14 कला में से वहां तो 8 कला बचनी है, तो वहां 6 कला डाउन क्यों? फिर आगे दो दो युगों के अंदर 4-4 क्यों? यदि स्पीड बढ़ गई थी तो फिर द्वापर में स्लो क्यों हो गई? अरे भाई सारे कैसे खत्म हो जाएंगे? कलयुग में आते ही जीरो तो ना हो जाएंगे, एंड में होंगे ना। सीधी सी बात आती है कि कोई भी चीज डेप्रिशिएट होती है तो एक सिस्टम से होती है ना। ये केवल भक्त बच्चों को आदत देने के लिए कि तुम्हारा राम भी है, तुम्हारा कृष्ण भी है, है। जब वो आ जाएं फिर हम उनको बताएंगे कि सतयुग में नारायण होता है और वो नारायण 100% प्योर बनता है। और वो फिर धीरे धीरे, क्योंकि सतयुग में धर्म रूपी बैल चार टांगों पर खड़ा था। चार टांग मीन्स चार हिस्से, चक्र में कोई छोटा थोड़ा किया है। अब घड़ी चलेगी,
घड़ी जब चलेगी तो पूरे तीन तक आने में तो पूरे 3 घंटे लेगी ना, ये थोड़ा है कि वहां तक 1.5 घंटा ले लेगी। घड़ी की स्पीड स्लो या फास्ट थोड़ा हो जाएगी। मतलब देखिए बात सारी ठीक है, बाबा ने मुरली में ये भी स्पष्ट कर दिया इक्वल होता है। वही बता रहा ना, बाबा ने ये भी कहा, मैं बता तो रहा हूँ भाई, मैं वही तो बता रहा हूँ कि बाबा ने यही कहा, रमेश भाई ने भी पूछा तो यही कहा स्लो है। फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया, एक मुरली आई उसमें बाबा ने कहा इक्वली होता है ना। मतलब क्या है कि ये बातें नोट करने वाली हैं, बुद्धि में रखने वाली, आ जाएगी मुरली, ज्यादा दूर नहीं जाने वाली। याद रखना है कि बराबर बराबर डेप्रिसिएशन होता है, कभी कम ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से राम हुआ ही नहीं त्रेता में, ठीक है ना। फिर उसके बाद 14 कला का किसके लिए कहना था, 14 कला करनी किसके लिए थी, जब राम को हटाया ना तब बाबा ने ये राज भी क्लियर कर दिया, ठीक है ना। जब तक राम त्रेता में था तब तक वही था, ठीक है ना। तो उसके बाद बाकी रतन जड़ी ताज रहेगा, फिर जो अच्छा दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है। ओरा है वो तो लाइट का ताज है ना, वो एक रतन जड़ी ताज रह जाता है, ठीक है ना। और दान पुण्य करते हैं उनको एक जन्म के लिए अच्छी राजाई मिलती है, फिर दूसरे जन्म में भी अच्छा दान पुण्य किया तो फिर भी राजाई मिल सकती है। यहां तो तुम 21 जन्म के लिए राजाई पा सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है तो बाप अपना परिचय देते, कहते हैं आई एम सुप्रीम सोल, इसलिए उनको परम पिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। तुम बच्चे उस सुप्रीम को याद करते हो, तुम हो शालिग्राम, वे है शिव, शिव का बड़ा लिंग और शालिग्राम मिट्टी का बनाते हैं। हाँ मिट्टी का बनाते हैं, शालिग्राम मिट्टी के बना देते हैं, ढेर सारे रुद्र यज्ञ रचते हैं। तो ये कौन सी आत्माओं का यादगार बनाते हैं, शालिग्राम क्यों बनाते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। तुम शिव बाबा के बच्चे भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होती है। जिनको तुम पवित्र बनाएंगे श्रेष्ठ बनाएंगे तो वो फिर तुम आत्माओं के शालिग्राम बनाकर उनकी पूजा करते हैं, और फिर तुम देवता बनते हो तो तुम्हारी मूर्तियों की पूजा होती है। शिव बाबा के साथ तुम इतनी सर्विस करते हो इसलिए शालिग्रामों की भी पूजा होती है, जो उत्तम से उत्तम कर्तव्य करते हैं उन्हों की पूजा होती है, और कलयुग में जो अच्छा काम करते हैं उन्हों का क्या होगा, उनके यादगार जगह जगह लगा देते। कल्प कल्प बाप तुम बच्चों को सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, अर्थात तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वे तो देवता बन गया, क्यों नहीं हो सकता, हम
सुदर्शन चक्र विष्णु को नहीं हो सकता, वो तो देवता बन गया। अब विष्णु देवता बन गया क्यों कहा, ये बताओ, ये डीप पॉइंट है, इस डीप को समझो। हाँ, जो अब जब वो संपूर्ण बन गया, अब उसे चक्र चलाने की जरूरत नहीं है। अब चक्र क्या करेगा चलाकर, चक्र तो तब चलाना है जब अपनी बुराइयों का गला काटना है। जब आप अपनी सारी बुराइयों का गला काट दिया और हम विष्णु बन गए, फिर हमें चक्र चलाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है, विष्णु का स्पष्ट हुआ, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, ब्रह्मा सो विष्णु या श्री कृष्ण। मतलब जब हम अपने आप को संपूर्ण बनाते हैं तो कृष्ण और कृष्ण के साथ वाले बन जाते हैं। जब हम कृष्ण और कृष्ण के साथ वाले बन गए, फिर हमें चक्र चलाने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे चक्र चलाने, हम 100% पवित्र बन गए, 16 आने सच्चे बन गए। हाँ जी, बन गए नहीं, चक्रवर्ती राजा तो बनेंगे बाद में, अभी तो पहले विष्णु बनेंगे ना। विष्णु बनेंगे तो कृष्ण और कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले बनेंगे, फिर जब परम धाम जाएंगे, परम धाम से वापस आएंगे, इस टाइम की बात है ना, क्योंकि कृष्ण भी तो ब्रह्मा कुमार कहलाएगा। अभी बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज की आत्माएं जो संगम पर हैं नहीं आएंगे, परंतु इनको देवता नहीं कहा जाएगा जब तक ये परम धाम जाकर वापिस नहीं आते, तब तक ये ब्रह्मा कुमार ही रहेंगे। भले ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर कृष्ण नहीं आएगा, परंतु कहलाएगा ये भी ब्रह्मा कुमार, क्योंकि यहीं से तो बन के गया। तो यहां से जैसे ही वो संपूर्णता को प्राप्त हुआ, विष्णु बना, तो कृष्ण के रूप में उसने जन्म लिया। वे तो देवता बन गया, ये ज्ञान सारा तुमको है। फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो ये ज्ञान नहीं रहेगा। जब हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो फिर ये ज्ञान नहीं रहेगा। वहां तो सब सदगति में है, तुम बच्चे ये ज्ञान अभी ही सुनते हो, फिर राजाई पा लेते हो, स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप ही आकर अपना और रचना का पूरा परिचय देते हैं। सन्यासियों ने माताओं की निंदा की, नारी नरक का द्वार है, परंतु बाप आकर माताओं को उठाते हैं। बाप ये भी समझाते हैं कि यह सन्यासी ना होते तो, ये सन्यासी ना होते तो भारत काम चिता पर बैठ एकदम खाक हो जाता, एकदम खाक हो जाता। जब देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती, अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती। जब, अब आप सब समझ गए, वाम मार्ग में गिरते हैं तो उस समय अर्थक्वेक बड़ी जोर की होती है, फिर सब नीचे चला जाता। जहां पर तिथिज सागर है वहां हिमालय पर्वत आ जाता है, और जो भारत सोने की चिड़िया था वो सब क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। और खंड आदि तो होते ही नहीं, पहले तो कोई खंड थे ही नहीं, भारत ही होता है। इस्लामी आदि तो पीछे आते हैं, जब टूटता है भूकंप आता है तो सारी धरती टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तो भारत के टुकड़े हुए
अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भारत के ही टुकड़े बन गए। तो फिर वे सतयुग की चीजें यहां रहती नहीं, जो सतयुग में था वो सब क्या हो गया, नीचे चला गया। सतयुग की चीजें फिर यहां रहती नहीं। तुम भी, तुम जो ये सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, देखते हो, वे कोई वैकुंठ का नहीं है, वो तो अभी बनाया गया। हाँ, अभी बनाया गया, ये तो भक्ति मार्ग में बना है, राजा विक्रमादित्य ने बनाया है, जिसको मोहम्मद गजनवी आदि ने लूटा है। बाकी देवताओं के महल आदि सब जो सतयुग वाले थे वो अर्थक्वेक में गायब हो जाते हैं। ऐसे नहीं, सब कुछ। हाँ, तभी तो सारे कहां खड़े थे, जंगल में, इसीलिए वहां से ही हमारा इतिहास शुरू होता है। हाँ, जिसको आदि मानव कह दिया उन्होंने, जो बच गए तो उनको कुछ था नहीं, और जो मर गए तो उन्होंने उनके पास आके जन्म लिया। जो मर गए वो कहां जाते, उन्होंने उनके पास आकर जन्म लिया, और सारे के सारे जहां जहां चले गए वहां रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने गुफाओं पर, नदियों के किनारे और अपना बनाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं के महल नीचे गए वही फिर ऊपर आ जाएंगे, ऐसे नहीं, ये बुद्धि में निकाल दो। नहीं, वे तो अंदर ही टूट फूट सड़ जाते, फिर उसी समय खोते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। उस समय कोई खोदे तो कुछ ना कुछ मिल जाए, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता। शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है, दुनिया के किसी शास्त्र में ये सच्चाई नहीं। पर तो वो सभ्यताएं भी अब खोद रहे हैं, वो अब से 1000 साल 1500 साल पहले की। फिर वही बातें घुमा रहा है, मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 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 चीज गई वो गई। अब बाबा कह रहे जैसे कि वो कांप आया, उससे पहले देवता गिर गए होंगे ना वहां मार्ग में। वो देवताएं तो गिर गए, परंतु ये जो हमारे पास आज अवेलेबल हैं, ये वो आत्माएं थी, क्योंकि नगरों की बनावट से पता लगता है कि वो लोग थे जिन्होंने अपनी एक कॉलोनी बनाई, और वो कॉलोनी सतयुग त्रेता की नहीं हो सकती, कारण कि वो अनाज को भरने के लिए लकड़ी की गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। आज जैसे मैंने अपना म्यूजियम में जाके देखा दिल्ली के अंदर, तो वहां पर हमें फिल्म दिखाई थी हड़प्पा की, तो उनके पास देखो ना, अनाज भरना है, ऊपर गोदाम है गोल्स, उसके अंदर अनाज भरने के लिए वो गाड़ी में भरकर ऊपर खींच कर ले जाते हैं, ऊपर से डालते हैं। मतलब उनके पास उस कमरे को भरने के लिए, अनाज भरने के लिए, मतलब पहिए, वो पहिए त्रेता में बताना मींस त्रेता की बेइज्जती करना है, स्वर्ग की बेइज्जती करना है। हाँ, वहां ऐसा जैसे वहां नगरों की बनावट है, ईंटों की ईंटें बनी हुई हैं, मिट्टी की ईंटें हैं, पक्की ईंटें जैसे पकाते हैं, इसी प्रकार से पकाई गई ईंटें, तो वो तो सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं हो सकती ना। मतलब क्योंकि उसको तो मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया, मैं तो स्कूल के बच्चों को कितनी बार लेके गया हूँ, और फिल्में दिखाई कई बार उनके वहां म्यूजियम में, अलग अलग टाइम पर अलग अलग फिल्म दिखाते हैं, तो उसको तो वहां पर जाके अच्छी तरह स्टडी किया। मतलब कि ये नगरों की जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता है, चाहे बेबीलोनिया की सभ्यता है, नील नदी की है, अपना चाइना की है, मतलब अलग अलग जहां भी मिली हैं, पर तो एक चीज है कि सारी एक जैसी हैं, चाहे वो कितनी दूर है। क्योंकि जो लोग, और उसके साथ जो क्वेश्चन करते ना, ये लोग जो है ना कभी एक साथ रहते थे, ध्यान कर नोट करना है,
उनके साथ लिखा हुआ है कि इन सभ्यताओं को पढ़ने से पता लगता है कि ये लोग पहले कभी एक साथ रहते थे, फिर किसी कारण ये अलग हो गए। मतलब उन्हें ये नहीं पता कि पेंजिया के बारे में, उन्हें ये नहीं मालूम धरती के टुकड़े होने के बारे में, फिर ये कैसे अलग हो गए, मतलब जो हम सभ्यताओं में पढ़ते, तो जिसके कारण इतनी दूर दूर होते हुए भी उनमें बनावट एक जैसी है, ये बताती है। तो मतलब वो गए तो उनके विचार तो एक जैसे थे, उन्होंने वहां मिट्टी के भांडे बनाए, उनको मिट्टी के भांडे थोड़ा होंगे त्रेता में, मिट्टी के भांडे हैं, मिट्टी के मकान हैं, मिट्टी की ईंटों के पक्के, लकड़ी, मिट्टी, इन्हीं चीजों को यूज किया गया है, ठीक है ना। तो इसलिए हाँ जी, हाँ गो गो ज्वेलरी है, परंतु ज्वेलरी इतनी नहीं है, ज्वेलरी ज्यादा मिली है तो हमें मिस्र के पिरामिड्स में मिली है, वहां बहुत ज्यादा, वहां पर जो एक अब तक जो है ना तूतन खां की जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, पिरामिड को तोड़ा गया और उसमें उसकी जो बॉडी थी उस बॉडी के ऊपर सोना ही सोना बता, यही तो बाबा बता रहा है, वो नीचे हाँ बाहर वैसे नहीं आएगा जैसे, मतलब फिर नया ही नए रूप में आएगा ना, यही बात स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। हाँ सोचो कि जहां समुद्र था वहां हिमालय पर्वत खड़ा हो गया, कितना बड़ा भूकंप होगा, कितना बड़ा भूकंप होगा, ये हम सोच सकते हैं ना इसको। तो बाबा उसी चीज को बता रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं मिलता, शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है, सदगति दाता है ही एक बाप, पहले पहले ये निश्चय चाहिए, निश्चय में ही माया विघन डालती, बार बार हमारे निश्चय को हिला देती है, कहते हैं हे भगवान कैसे आएगा, भगवान ब्रह्मा कुमारियों में आएगा बस, और कोई नहीं मिले। हाँ अरे शिव जयंती है तो जरूर आए होंगे, तभी तो उसकी जयंती मनाते हो, बाप ने समझाया है, मैं बेहद के दिन और बेहद की रात के संगम पर आता, क्या बात है बाबा, जब बेहद की रात खत्म होने वाली है, बेहद का दिन होने वाला है, बेहद की रात है द्वापर कलयुग और बेहद का दिन है सतयुग त्रेता, जब कलयुग से सतयुग होने वाला है तब परमात्मा आकर सबको स्वर्ग के लायक बनाते, ये कोई नहीं जानते कि किस समय आता हूं, तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही ये नॉलेज दी है और दिव्य दृष्टि से ये चित्र आदि बनवाए हैं, ये जो चित्र बनवाए हैं ये बाबा ने कैसे बनवाए, दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाए हैं, गीता में भी कल्प वृक्ष का कुछ वर्णन है, बच्चों को कहते हैं हम तुम अभी हैं कल्प पहले भी थे, हम तुम अभी हैं कल्प पहले भी थे और फिर कल्प कल्प मिलते रहेंगे, मैं कल्प कल्प तुमको ये ज्ञान दूंगा, मैं कल्प कल्प ये ज्ञान दूंगा, तो चक्र भी सिद्ध होता है, इसका मतलब हर कल्प आते हैं तो चक्र है ये ड्रामा का, परंतु तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके, ये सारे सृष्टि का चक्र का चित्र है, सारे सृष्टि के चक्र का चित्र है, जरूर कोई ने बनवाया है, बाप भी इस पर, बच्चे भी इस पर समझाते, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, हर बात में विजय का आधार है निश्चय, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बनना है, सद गति दाता बाप में कभी संशय नहीं उठाना है, बुद्धि को पवित्र व शुद्ध बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, वायात व्यर्थ बातें ना सुननी है और ना सुनानी है, वरदान
बेहद की स्मृति स्वरूप द्वारा हद की बातों को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो, इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा याद रखो। आप पूर्वजों का काम है, क्या काम है? अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। स्लोगन है, किसी भी बात में मूझने की बजाय मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।